हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर रोटी सिर्फ गुजिया सेव। ये जो गुजिया सेव है इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई करें, प्लीज से ट्राई करके देखना। गुजिया सेव के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है, ये लेफ्ट ओवर रोटी है, कम से कम हमने 12 से 13 रोटियां लिए हैं और उसका इस तरह का हमने पाउडर बनाया है। हमने आपको इसका पाउडर बनाने का एक तरीका बनाएंगे, उसके लिए हमने एक रोटी रख दी है। उसके बाद में हमें आलू लगेगा, हमने आलू को बॉईल करके उसको ग्रेट करके रख दिया है, 4 आलू है। हमें बेसन लगेगा, ये आवश्यकता के अनुसार लगेगा। हमें चाट मसाला लेंगे, हम ऑयल लेंगे, ये जीरा और अजवाइन जो होती है हमने एक एक टी स्पून लिया, उसे भून लिया है और भूनने के बाद उसे हमने पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया हमने। हल्दी लगेगा हमें, लाल मिर्च पाउडर, नमक लगेगा, आमचूर पाउडर लगेगा, ये हींग लगेगा और ये हमें सेव बनाने के लिए सांचा लगेगा, उसमें हमें इस टाइप की मोटी जाली चाहिए, इस टाइप की हम जाली का इस्तेमाल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम तैयारी करते हैं बनाने की। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पैन रख दिया है गर्म करने को, उसमें हमारी ये रोटी हम आपको बताएंगे किस तरह से सेकना है। इसे हम कंटिन्यू ऐसी ऐसे करके हमें सेकना है इसे, ताकि ये पूरी तरह से कड़क हो जाए और जले ना, जलने को नहीं होना हमारी रोटी फ्रेंड्स। इसे कंटिन्यू हमें सेकना है ऐसा घुमा घुमा के, ताकि ये जले ना। इसे कंटिन्यू इसी तरह से हमें सेकना है ताकि ये पूरी तरह से कड़क हो जाए। और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे। और मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद में हमें उसे छलनी से छान लेना है, ताकि उसका एक पाउडर अच्छी तरह तैयार हो, जो रफली क्रश है वो निकल जाएगा। ये अच्छी तरह से कड़क हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कड़क होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये रोटी है ये पूरी ऐसी पूरी कड़क हो जाना चाहिए। इसको हम तोड़ लेंगे और मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद छान लेते हैं और छानने के बाद में हमारा इस तरह का पाउडर तैयार होगा। अब ये हम ये पाउडर को एक परात में निकाल लेंगे, उसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करते हैं 1 टीस्पून और हाफ यानी 1.5 टीस्पून के करीब। जीरा और अजवाइन का जो पाउडर है, जैसे 1 टीस्पून जीरा 1 टीस्पून अजवाइन हमने ऐसे भूने थे, इसका हमने पाउडर बनाया, उसे हम ऐड कर देते हैं इसमें, उसे भून लिया था हमने। उसके बाद में हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार ही मिलाएं। उसके बाद में हम हींग ऐड करेंगे इसमें, हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हींग ले रहे हैं। चाट मसाला यूज करेंगे इसमें, वो भी हम 1 टीस्पून चाट मसाला लेंगे। चाट मसाला के बाद में हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। हमारे आलू और बेसन ये सब मिलने के बाद में हमें जितना लगेगा उसके हिसाब से हम इसमें नमक अभी ऐड करते हैं, कम लगेगा तो फिर और थोड़ा मिला लेंगे। इसे अच्छे से एक मिक्स दे देते हैं, ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम हमारे ये बॉईल जो हमने ग्रेट करके आलू रखे थे वो मिला देंगे। हमने ये 4 आलू को इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स बॉईल करके, थोड़े से बड़े साइज के आलू थे ये। इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मिला के हो चुका है। अब इसमें हम बेसन ऐड करते हैं, 2 बड़े चम्मच हमने बेसन यूज किया है। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी लेकर इसे भिगा देंगे। हम जैसे सेव के लिए भिगाते हैं उस टाइप का हमें इसे भिगाना है। पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा और इसका अच्छा एक डो तैयार कर। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का हमें डो तैयार करना है। इसे हम 15 से 20 मिनट रेस्ट करने देते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम एकदम सॉफ्ट और डो तैयार करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड में ऑयल गरम करने को रख दिया है। अब हम हमारे इस मोल्ड में, सांचे के स्केल में, हमारा ये बैटर भरेंगे। बैटर भरने के लिए हम इसे थोड़ा सा ऑयल का हाथ लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथों में और इसे इसके अंदर में भरेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा और लगेगा उसमें। इस तरह से इसे पूरा पैक कर लेते हैं। इसे अच्छे से लगा के सेव बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम हमारी सेव निकालेंगे। सेव निकालने के लिए अब इसे हम पलटा लेते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालें फ्रेंड्स, तुम एकदम से डालोगे तो आपकी सेव टूटने लग जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे अच्छे से पकने दें, मीडियम आंच पे इसे पकने दें। इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का ही होता है, क्योंकि हमारी रोटी डबल डबल सिकनी में आती है, इसकी वजह से इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है। होने देंगे अच्छे से। इसको पकने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लगता ही है, क्योंकि इसे धीरे धीरे पकाना होता है और जब तक ये इसमें क्रंच ना आए, अपने को लगे झारे में ऐसा लगना चाहिए कि ये कड़क हो रही है भी, उसके बाद में फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सेव तैयार हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही निकालना है फ्रेंड्स आपको। इसी तरह हमें सारी सेव बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी बची हुई रोटियों की गुजिया सेव। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी डिश है फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई करें और इसे आप बनाने के बाद मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे की लाइक की बटन को क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।